दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय देहरा पब्लिक स्कूल खबली। जवाली में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गांव को ही सील कर दिया है। धर्मशाला से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव व्यक्ति सहित उसके परिवार को 3 एम्बुलेंस में डालकर टांडा ले गई है। इसके अलावा गांव को आने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। SDM जवाली सलीम आजम ने बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। कोरोना पॉजिटिव किन किन लोगों से मिला है उसकी हिस्ट्री को भी खंगाला जाएगा। तो हमने इमीडिएटली, मैंने और DSP साहब, पुलिस जितने भी थी, तहसीलदार, ये सब आकर के इस गांव को पूरा सील कर दिया। इसका एक मैपिंग की गई और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे या इनपुट पॉइंट थे जहां से लोग आ सकते थे, जा सकते थे, वो सारे के सारे हमने सील कर दिए हैं। पुलिस पोस्ट लगा दी है यहाँ पे और पूरा इलाका जो है सैनिटाइज कर दिया है। और रात को ही जो कांगड़ा से एक जो कोरोना स्पेशल जो गाड़ी होती है 108 एम्बुलेंस, वो आई थी, वो इसको ले गई थी क्योंकि पॉजिटिव था, इसको टांडा मेडिकल कॉलेज में ले गए। और इसके मम्मी डैडी और साथ में एक बुआ आई हुई थी, उनको जो है धमसा ले गए उनके टेस्ट के लिए। बाकी हमने पूरी हिस्ट्री जो है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसकी मालूम कर ली है, वो जो प्रशासन को बता दी गई है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आगे क्या संज्ञान लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है पूरा इलाका जो है सील कर दिया है। कोई भी घरों से बाहर नहीं है, पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। और जो भी इनको ज़रूरत होगी खाद्य पदार्थों की, जिसको वो उसको भी हम जो है मुहैया कराएंगे जैसी जरूरत पड़ती है। सर, इस पर कोई केस वगैरह भी कोई रजिस्टर हुआ है? हाँ, इसके ऊपर पर्चा बनाया गया है कि इसने जानबूझ के इस तथ्य को छुपाया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इस केस पे इसको जो है केस किया गया है। तो सर, ये जो अभी और भी इसमें आ सकते हैं लोग जो पॉसिबिलिटी तो है कि क्योंकि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में इसके मम्मी डैडी हैं या जो बुआ थी या इसके सराउंडिंग में जो इसके भाई हैं, कजन हैं, इन सब के साथ वो रहा होगा, तो हमने ये पता कर लिया अभी ये कहीं बाजार में तो नहीं गया है। तो लेकिन जो भाई इसको जोंटा से लेके आया था, इसका कजन है, प्रहलाद उसका नाम है, वो तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में वो ही आया है। तो उसके जो परिवार वाले हैं, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो आशा वर्कर हैं, वो इस गाँव में घर में भी गए होंगे। तो कुल मिला के हम ये सबको जो सेकंड स्टेज पे जो है उन सब का टेस्ट कराएंगे और देखेंगे कि कोई पॉजिटिव तो ना हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीतू दमीर, गुरकड़ी पंचायत प्रधान, कांगड़ा जिला उपाध्यक्ष भाजपा। सभी ग्राम वासियों से और हिमाचल प्रदेश वासियों से अनुरोध करती हूँ, जो हमारी सरकार ने COVID-19 का जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करिए और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा ने बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर प्लस टू साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। हर वर्ष प्लस टू साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से प्लस टू पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।